गुरु सवारे सत्संगी जनों फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हाँ सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के गुरु पातशाह जी के पावन उपदेश की विचार के नाल जुड़न दा यह उद्दम अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने जो बख्शिश किया है उस मुताबक अज का यह विशेष गुरमत समागम आप सबद संतों के सहयोग के नाल इस जगह से आरंभ होया है। सही लहर के तहत जो निर्माणा या यतन समुचे जत्थे वालों किया गया है पंजाब के पिंडा विच शहर विच कस्बियां विच ते वख-वख थाई जिथे कितें भी प्रबंध हो सकता है धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी की विचार अते अपने महान इतिहास दियां ओ कीमती गल्लां खालसा ही कदरां कीमतां दी बात गुरु नानक नाम लेवा संतां दे नाल सांझी करन दा यतन कीता जांदा है। सतगुरु दे प्यार वालिओ समां आपनी चाले तुरदा जांदा है समय संसार के अंदर किसी भी उम्मीद अज तक ना की ना करेगा क्योंकि कुदरत का कसूर ऐसा है पर जिहड़ियां कौमां जिहड़े लोग समय के हाणी बन के नहीं तुरदे वो पछड़ जाते हैं अपने हथों समा गवाउण तो बाद उन्हां दे पल्ले केवल पछतावा ते झोरा रह जाता है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुबारक बाणी ने इसे करके सानू खड़ोत विच रहण वालियां नूं इह उपदेश दित्ता अगाहां पुत्रांग पिछा फेर ना मोढड़ा नानक सिज इविहावार बहुड़ ना होवी जनमड़ा। दाता जी ने उह मुबारक वचन कह के साढ़े जीवन का आलस साढ़े जीवन का दरिद्र साडियां बहानेबाजियां ते साढ़े अंदर जिहड़ा इक खड़ोत वाला सुभाअ है उसनों तकड़ा झटका दिता है। गुरुदेव चाहते हैं असी अपने जीवन के अंदर जो साडे फर्ज ने जो साडियां जिम्मेवारियां ने उन्होंने पूर्ण ईमानदारी ते तनदेही दे नाल निभाउण दा यतन करिए। सो ये उपराला जो आप सरबत संतां दे सहयोग नाल कीता गया है आप जी का धन्नवाद है। आप जी अपने कमां कारां विचों समां कढ के गुरु पातशाह जी की पावन गोद विच बैठ के बाणी का लाभ प्राप्त करने लई उचेचे तौर उत्ते पहुंचे हो। हुण मैं बेनती करांगा सरकारी ज्ञानी गुरबचन सिंह जी मनवा प्रिंसीपल गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज आप जी के नाल कुछ समय लई गुरु की पावन बाणी की विचार सांझी करनगे। उन्हां तों उपरंत ज्ञानी सरबजीत सिंह जी धुंदा आप जी के नाल बाणी दीआं विचारां सांझीआं करनगे। ये यतन साडे तां ही सार्थक हो सकते हैं जे असीं आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की मुबारक बाणी नूं पढ़न सुणन दा उद्यम करिए। सौ बड़े प्यार सत्कार नाल उन्हां पासों बाणी की पावन विचार श्रवण करिए जी। फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।